नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ रौनक। नमस्ते जी अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आप देख रहे हैं रणतंत्र, और धीरे धीरे हौले हौले से हवा चलती है। ओए गाना मत गा, आगे का बता। सॉरी, धीरे धीरे हमारा वर्ल्ड कप वाला हैंगओवर उतरने लगा है। वर्ल्ड कप में ना सही, वर्ल्ड कप के बाद ही न्यूजीलैंडियों को हराने का प्रबंध दादा सौरभ गांगुली ने कर दिया है। वर्ल्ड कप के बाद न्यूजीलैंड वाले सीधा दुबई से जयपुर की फ्लाइट पकड़ेंगे और 17 तारीख से यहाँ पर T20 सीरीज खेलेंगे। वैसे कीवी भाई लोग ऑस्ट्रेलिया को क्या पेलेंगे, मतलब फाइनल में हराएंगे? क्या लगता है आपको? आपका ओपिनियन मैटर करता है और उसका पैसा भी मिलता है। एक सेकंड, ओपिनियन देने से पैसा कहां मिलता है भाई साहब? भाई साहब, प्रोबो ऐप के बारे में नहीं सुना है आपने? डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है, फटाफट से प्रोबो ऐप अपने फोन में डाउनलोड करो। हर मुद्दे पर, अलग अलग टॉपिक पर आप अपना ओपिनियन देके खूब सारा कैश कमा सकते हो। ठीक है? ठीक है भाई साहब। चैनल का नाम है नोपो, जहां आप बता रहे हो प्रोबो। बिल्कुल सही बोला, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करो, आगे डिटेल में बताऊंगा। वापस आते हैं मैच पर। तो भैया न्यूजीलैंड ही सही, लेकिन चलो इसी बहाने वर्ल्ड कप की किसी और के जरिए ही सही, इंडिया तो आएगी। पहले 3 T20 इंटरनेशनल खेले जाएंगे, उसके बाद 25 नवंबर को कानपुर में पहला टेस्ट, मुंबई में दूसरा टेस्ट खेला जाएगा। 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल में क्वालिफाई होने के लिए इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों के लिए ये बहुत अहम सीरीज होने वाली है। इंडिया तो ऑलरेडी एक टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के साथ खेल चुकी है, जिसमें हम 2-1 से आगे हैं। इस 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट मैच अगले साल इंग्लैंड में होना है। न्यूजीलैंड वाले अपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का डिफेंस कानपुर से शुरू करने वाले हैं। उन्होंने अपनी टेस्ट टीम में ट्रेंट बोल्ट और कॉलिन ग्रैंडहोम को शामिल नहीं किया है। और अब टीम इंडिया ने भी अपनी स्क्वाड अनाउंस कर दी है, जिसको देखकर आप वैसे ही सरप्राइज हो जाएंगे जैसे स्क्रैच कार्ड में बेटर लक नेक्स्ट टाइम की जगह सचमुच जब कोई प्राइज आ जाता है तो कैसे सरप्राइज हो जाते हो। ठीक है, तो टेस्ट टीम की कप्तानी वैसे तो विराट कोहली के हाथों में रहेगी, लेकिन कोहली को पहले टेस्ट मैच से रेस्ट दिया गया है। यानी कोहली कानपुर की जगह टीम को मुंबई में ज्वाइन करेंगे। फिलहाल कानपुर टेस्ट में कप्तान होंगे रहाणे, और उप कप्तानी करेंगे चेतेश्वर पुजारा। जी हाँ, पुजारा से वो शेर याद आ गया मेरे को। कौन सा बहुआ है? यही कि पुजारा का निकनेम पूजी है और पाकिस्तान वालों सूजी है। सॉरी भाई साहब, ये बड़ा लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट मेरे को इंस्टा पे टैग करके खूब शेयर किया। अरे आगे बढ़ो, कोहली भैया की बात करो। हाँ, कोहली भैया की क्या बात करें, शायद उनको कानपुर में जगह जगह लाल रंग की पिचकारी और मुंह से बनने वाली चित्रकारी से दिक्कत होगी, इसी वजह से उन्होंने कानपुर टेस्ट स्किप करने का फैसला किया। लेकिन हमारी टीम कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए और समझिए। अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा के अलावा मयंक अग्रवाल और केएल राहुल भी शामिल है। शुभमन गिल भी इंग्लैंड टूर पर इंजरी होने के बाद टीम के साथ वापस जुड़ गए। श्रेयस अय्यर को भी इस टीम में जगह मिली है, उनके अलावा विकेट कीपर के तौर पर श्रीकर भरत जी, जी हाँ वही बेंगलुरु के लिए लास्ट बॉल पर छक्का मारने वाले, शामिल किए गए हैं। उनके विकेट कीपर रिद्धिमान साहब ही हैं भाई साहब। रविंद्र जडेजा, अश्विन अब टीम इंडिया के T20 और टेस्ट फॉर्मेट स्पिन बॉलर्स बन गए हैं। उनके अलावा टीम में अक्षर पटेल, जयंत यादव भी बतौर स्पिन गेंदबाज शामिल किए गए हैं। ईशांत शर्मा, उमेश यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज टीम इंडिया की पेस बैटरी बनेंगे। अब बात करते हैं उन लोगों की, जिन लोगों को टेस्ट सीरीज में या तो मौका नहीं मिला है या उनको रेस्ट दिया गया है। कोहली का नाम तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, वो पहले टेस्ट से गायब है। लेकिन रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत को पूरी टेस्ट सीरीज में आराम दिया गया है। शार्दुल ठाकुर, जो कि T20 इंटरनेशनल सीरीज में भी शामिल नहीं थे, वो टेस्ट साइड से भी बाहर किए गए हैं। रोहित शर्मा के नहीं होने का मतलब है कि शायद केएल राहुल और अग्रवाल जी का लड़का ओपन करे। हनुमा विहारी भी इस टूर में शामिल नहीं है, क्योंकि वो इंडिया ए के साथ साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। ऋषभ पंत के न होने पर विकेट के पीछे वाले दस्ताने रिद्धिमान के पास आएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, हमारी ये टीम ग्रीन पार्क कानपुर में और वानखेड़े मुंबई में न्यूजीलैंडियों को धूल चटा पाएगी या नहीं? हेलो, आप ही से पूछ रहा हूं। और देखो, सीरीज चाहे कोई भी जीते, आपको अपनी जीत पे फोकस करना पड़ेगा, क्या समझे? अरे बिल्कुल नहीं समझे, क्लियरली बताओ बउआ भाई। अपनी जीत मतलब मैंने प्रोबो ऐप के बारे में बताया ना आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके ये ऐप आप सबके फोन में होना चाहिए। क्यों? फोकट में ओपिनियन नहीं देने का, वो जमाना गया, अब ओपिनियन के भी पैसे कमाने का मौका आ गया भाई साहब। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्रोबो ऐप डाउनलोड करो, उस पे हर तरीके के टॉपिक पे आप अपना ओपिनियन देके पैसा कमा सकते हो। फॉर एग्जांपल, वर्ल्ड कप फाइनल किसके बीच है? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। क्या लगता है कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगा? इस पे भी ओपिनियन देके आप पैसा कमा सकते हो, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं। बाकी RJ50 कोड लगाओगे ना डाउनलोड करने के बाद, तो वेलकम बोनस भी मिल सकता है। बाकी डाउनलोड करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेना है और मेरे को इंस्टा पे फॉलो करके DM में जाके वो स्क्रीनशॉट शेयर करना है। और आप में से जितने लोग शेयर करेंगे ना, उनमें से एक लकी विनर को मैं कल ₹5,000 दूंगा, ये अनाउंस करूंगा मैं कल के वीडियो में। मतलब बाबू भैया, चारों तरफ से पैसा ही पैसा होगा। क्या बात है बउआ भाई, मतलब वीडियो देखो नोपो पे और पैसे कमाओ प्रोबो पे। सही पकड़े हैं, डाउनलोड करो इसको और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू टुमारो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।